i am going to discuss the remaining type of chord anomalies i have uploaded the first uh, part of the chord anomalies before this so let's start the video okay students yam yeah, they can give first I mean, five uh, टाइप ऑफ वस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ उससे पहले मैंने आपको फोर टाइप की बता दी है अभी फाइव टाइप में हम वस्कुलर मतलब वसल से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे तो देखिए ये फर्स्ट पहले एक चार्ट दिखा दूँ मैं आपको जिसमें आपने सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखी थी जिसमें मैंने एक फ्लो चार्ट ये देखी ये चार्ट है तो इसमें हमने वन टू फोर देख लिए थे अब हम फिफ फाइव टू सेवन देखते हैं चलिए जल्दी से देखते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ आर टाइम ताकि जल्दी से हमारा ये फिनिश हो जाए छोटा वीडियो बने ओके okay? तो चलिए इसमें क्या होता है कि जो सिंगल हम पहले वेसल से रिलेटेड देख रहे हैं तो सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी देखेंगे जिसमें क्या होता है कि द जो वेन होती है वो क्या करती है हमेशा जो नॉर्मल फिनोमिना है कि जो वेन होती है वो क्या करती है कि कैरी करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड को है ना जो कि प्रसन्नता से लेकर फीटस तक पहुँचाती है और जो आर्टरी होती है वो डी ब्लड को क्या करती है साथ में डीऑक्सीटेड ब्लड के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी प्रसंटा मतलब फ़ीटस लेके प्रसंट तक पहुंचाता है ताकि वो ऑक्सीजन मतलब वो मदर के ब्लड में मिक्स हो जाए और फिर से ऑक्सीजनेटेड बनके बेबी को मिल जाए और कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी अग्नेसिस की वजह से या फिर सेकेंडरी अट्रॉफी प्राइमरी अग्नेसिस का मतलब अग्नेसिस का मतलब आपको पता ही है ना कि फेलर पार्ट ऑफ ऑर्गन और फेलर टू ड्यूरिंग ऑर्गन ग्रोथ कहने का मतलब है कि जो फेलर हो जाते हैं कोई पार्ट या कोई ऑर्गन जो कि क्या करते हैं फेलियर पार्ट और ऑर्गन टू डेवलप ड्यूरिंग एम्रियनिक जो एम्ब्रियोनिक जो ग्रोथ होती है जिस समय वो बन रहा होता है फिटस उसकी ग्रोथ हो रही होती उस समय क्या होता है कि कोई ना कोई उसका पार्ट या कोई ऑर्गन जो होता है वो मिसिंग हो जाता है उसी को बोलते हैं एग्नेसिस ठीक है और जो ये अट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि अट्रॉफ़ी का मतलब होता है कोई मतलब लॉस हो जाना किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को लॉस हो जाना है ना या मसल्स लॉस हो जाना इतना वीक हो जाना कि उसका ना के बराबर होना ना होना एक ही समान है तो ये हो गया तो इसमें क्या होता है कभी कभी ये अट्रॉफी के वजह से या अग्निसिस के वजह से क्या होता है कि कोई एक आर्टरी जो होती है वो मिसिंग हो जाएगी जिसके वजह से एक सिंगल अमलाइकल आर्ट्री ही उसकी रह पाएगी ठीक है तो ये कैसे सीरियस हो सकती है हाउ सीरीज इज सिंगल एम्बलाइकल आर्टरी ये अबाउट टू 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 इन टेन बेबीज यानी कि ये जो होता है दस में से केवल दो बच्चों में देखने को मिलेगा यानी कि ट्वेंटी परसेंट इसके चांसेस होते हैं अमलाई इस तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ के ठीक है जिसमें कि क्या होती है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है बेबी को जो कि हार्ट प्रॉब्लम किडनी डिजीज और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और जेनेटिक प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम इसमें रह सकती है बेबी को ठीक है नॉर्मली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नॉर्मल अम्बलाइकल कॉर्ड है जिसमें कि दो आर्टरी और एक वेन है और ये जो है वो सिंग सिंगल अमलाइक मतलब वेन है और सिंगल आर्टरी यानी कि ये उसकी क्या है अब नॉर्मल में आ जाता है ठीक अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़ कॉजेज़ में क्या होता है कि अगर मेटरनल एज होती है फोर्टी से ज़्यादा या हिस्ट्री है कोई पहले से उसकी या कोई ट्विंस डिलीवरी हुए हैं उसके या उसकी फैमिली में या फिर उसका जो जेंडर है जो बेबी हो होने वाला है वो प्रेग्नेंट फीमेल बेबी है है ना वो इसका कॉज अनन नोन है लेकिन फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं या फिर कोई स्मोकिंग मदर करती थी पहले से या मदर की कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर है उनमें देखने को ये मिलता है ठीक है और अब हम देखते हैं परसिस्टेंट अमलाइकल राइट अमलाइकल वेन इसको पी आर यू भी बोलते हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, uh, है यानी कि जब एम्रियनिक स्टेज होती है तो उस समय जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा क्योंकि उसकी जो अमलाइकल um वेन होती है वो कैसी हो जाती है रिग्रेस हो जाती है यानी कि वो रिग्रेस का मतलब है लेस डेवलपमेंट उसका डेवलपमेंट ही ठीक से नहीं हो पाता प्रॉपरली ठीक है अब है वेरिक्स नेक्स्ट जो एबनॉर्मलिटी वैरिक्स है ये जो होती है इसको फिकल इंट्राएडिनल अमलाइकल वेन वैरिक्स ये इसका फुल फॉर्म है इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म है एफ आई यू वी वी भी बोलते हैं इसका मतलब होता है ये एक रेयर है यानी कि बहुत कम देखने वाली एक कंडीशन है मतलब एक प्रॉब्लम है जिसमें कि क्या होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ और वेन जो वेन होती है इस तरीके से वो क्या हो जाती है इनलार्ज हो जाती है जो नॉर्मल जैसी होनी चाहिए वैसी ना के इनलार्ज हो जाती है और ये जो जब इसका मेटिकुलस अल्ट्रासाउंड इमेजिंग करते करते हैं तब ये देखने को मिलता है यानी कि उसका एक ्यूरेट और एग्जैक्ट अल्ट्रासाउंड कर इमेजिंग में ये पता चलता है जबकि बहुत ही केयरफुली इसको किया जाता है एंटीनेटल पीरियड में ठीक है ना अब ये जो होता है इसी को हम कंटिन्यू करते हैं तो ये जो वेरिक्स होता है ये एक फोकल डायलिटेशन डायलिटेशन हो जाता है ऑफ़ द इंट्राबडोनल पोर्शन पर अमलाइकल वेन का डायलिटेशन का मतलब वो देखिए इस तरीके से डायलिट हो जाती है यानी कि अपने साइज़ में इंक्रीज हो जाती है उसकी जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है वो फूल जाता है तो वो कहाँ पर होता है इंट्राएडोनल पोर्शन पर यानी कि जो सेंटर पोर्शन होता है वहां पर ये होता है तो इसमें क्या होता है ये विच हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी एसोसिएटेड विद द इंटाटेन डेथ और अदर एनोमलीज इसके वजह से क्या होता है फ्यूटस की बेबी की जो होती है वो डेथ हो जाती है और या फिर उसमें अगर वो हो भी जाएगा कुछ टाइम के लिए सर्वाइव भी करेगा तो बहुत सारी अदर एबनॉ एम्नौर, एबनॉर्मलिटीज़ भी उसमें देखने को मिलती है हालाँकि सर्वाइव वो नहीं होता है मोस्टली वो स्टिल बर्थ ही उसमें होते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं जो कि है आर्ट्रियल एन्यूरिज्म ये जो होती है एक आर्ट्रियल एन्यूरिज्म जो है, वो एक रेयर स्ट्रक्चर एनोमलीज है जो कि अमलैकल कॉट की है यानी कि इस तरीके से ये एक रेयर होती है और ये अमलैकल कॉट की ही एबनॉर्मलिटीज है जो कि वसल से रिलेटेड ही हम पढ़ रहे हैं वसल से रिलेटेड ही है जो कि जो कि किस में देखने को मिलता है जो फीटल एनोप्लॉयडी है इसमें देखने को मिलेगा और फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि रिस्ट्रिक्शन और फीटल डेमाइज इसमें ये इससे ये सब प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि जो कि ये प्रॉब्लम इसमें ऐसे देखने को मिलती है बेबी की यानी कि जो ये वाली जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आ जाते हैं और जो उसका हैप्लोइड सेट होता है उसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो ज़्यादा हो जाएंगे तो फीटल ग्रोथ क्या होगी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल होगी तो ये इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस टाइप की अम्बलाइकल एनोरिज्म में ठीक है तो एनोरिज़म का मतलब है वहाँ पे को क्या हो जाना कि स्वेलिंग uh, आ जाना मतलब वो वहाँ पर अपने साइज़ से इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो यही एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे को स्ट्रक्चर में अपना उसकी कॉड के तो जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम आती है ठीक अब हो गया हम देखते हैं ये कॉजेज़ क्या होते हैं इसके एबनॉर्मल प्रसेंटर वर्स्कुलर इन ट्राइजोमी एटीन यानी कि ये एक uh, इसका जो द रीज़न फॉर सच एसोसिएटेड विद द एसोशिएशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द एबनॉर्मल प्रसेंटल वर्स्कुलेशन इन ट्राइजोमी एटीन यानी कि जो ट्राइजोमी एटीन का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम का होना यानी कि जब एक्स्ट्रा क्रोमो क्रोमोजोमल वाली कंडीशन होती है या एब्नॉर्मल पेसेंटल वर्स्कुलेशन होता है ठीक है तो उसमें ये देखने को मिलती है ठीक है वेसल्स का अच्छी से नॉर्मल नहीं होता ब्लड वेसल्स उसका एबनॉर्मल परसेंट इंसर्शन होता है तब ये देखने को मिलेगी और इसमें ट्राइजोमी 18 और विथ मेल फीटस ट्राइजोमी 18 का मतलब मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो जाएंगे और वो किसमें होंगे या फिर वो मेल फीटस होगा तब ये होता है अब मेल फिटस भी है तो वो क्यों उसमें रीजन है इस अभी मेन कॉज तो इसका अननोन है लेकिन इसमें ज़्यादा देखने को ये वाली प्रॉब्लम मिलती है ठीक है एग्जैक्ट रीज़न ऑफ दिस एसोसिएशन विद मेल फिटस इज नॉन नॉट नोन ठीक है ज़्यादा एग्जैक्ट कंडीशन इसकी मालूम नहीं है ये आप देख पा रहे हैं ना इस तरीके से इसमें क्या होता है ये एबनॉर्मलिटीज़ उसमें देखने को मिलती है ठीक है अब हम देखते हैं हेमेटोमा। हेमेटोमा में क्या होता है जैसे इसके नेम से ही लग रहा है ये भी वस्कुलरी है प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वैसे जो एक्स्ट्रा वैसेशिएशन ऑफ ब्लड यानी कि एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स का काम इसमें हो रहा होता है जब क्या होता है कि जो मेनली जो वीनस वीनस इन द दासटन जेली दैट कवर द अमलाइकर वेसल वैसे तो उसको क्या करती है अमलाइकर वेसल्स को जो होती है वॉस्टन जेली जो होती है उसको कवर करके रखती है कोई उसमें इंजरी नहीं होती लेकिन क्या होता है इसलिए इन अबाउट टेन परसेंट ऑफ केसेज दस परसेंट ऑफ केसेस में इट कुड भी जो होता है ड्यू टू आर्टेरियल ब्लीडिंग कुछ तो आर्टेरियल ब्लीडिंग के वजह से ये वाली प्रॉब्लम आती है टोमा वाली कभी इसमें हो जाता है तो ये कम से कम टेन परसेंट ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं ठीक है वैसे तो ये रेयर है और अगर इसको देखा जाता तो वन इन फाइव फिफ्टी टू वन थाउजेंड लिविंग जो लाइव बर्थ होते हैं कम से कम इतने से इतना यानी कि पचपन सौ से लेके एवन थाउजेंड तक बेबीज में बेबीज में से किसी एक में ये होगा यानी कि बहुत जो होता है ये कम देखने को मिलता है तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें ये इस तरीके से ये हेम, हेमोटोमा इसमें हो गया फॉर्म हेमाटोमा का मतलब क्या है ब्लीडिंग होना मतलब कहीं पे ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो रहा है ब्लीड कर रहा है और वहाँ पे ब्लड का क्या हो रहा है कलेक्शन हो रहा है तो ये है उसके बाद है जो इसी में हम देखते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड हेमाटोमा जो होता है वो एक रेयर कंडीशन होती है ज़्यादा मतलब ये देखने को नहीं मिलती है लेकिन किन केसेस में मिलती है ये जब अम्बलाइकल कॉर्ड ट्रामा हो जाता है इसमें ट्रामा कर दिया जाए किसी तरीके से कोई ना कोई इसमें चोट लग गई है या फिर कोअगुलेशन डिसऑर्डर है यानी कि उसकी जो ब्लड से रिलेटेड जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें कोई कोई एबनॉर्मलिटीज है ना या फिर उसमें क्या है इन्फेक्शन हो चुका है किसी ना किसी वजह से तो उसमें देखने को ये मिलता है और कभी कभी ये अपने आप ही सडनली ये अचानक ही हो जाता है ठीक है तो ये जो होता है ये एक फैटल कंडीशन होती है यानी कि बेबी के लिए डेंजरस कंडीशन होती है और ये कब डिटेक्ट होती है मतलब जो इफ डिटेक्टेड इन एन एसिम्टोमेटिक न्यूबॉर्न ठीक uh, है अगर ये असिम्टोमेटिक न्यू बॉर्न बेबी है मतलब जो बेबी किसी में ये डिटेक्ट हो भी रही है लेकिन उसमें कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है उनकी जो ग्रोथ होती है वो उनकी जो ग्रोथ प्रोग्रेस होता है वो ठीक हो रहा होता है यानी कि ऐसे भी बेबी होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम होने के बाद भी उनकी ग्रोथ क्या होती है uh, आराम से ठीक ठाक हो रही होती है क्योंकि ये अभी पूरे में कवर नहीं हुआ है तो जितना भी ओपन है वहाँ से हो सकता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है ठीक है और इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो यही है कि हेमाटोमा के कॉर्ड क्या क्या हो सकते हैं कोई एनोमलीज हो सकती है यानी कि कॉर्ड बहुत ज़्यादा शॉर्ट है या उसमें ट्रैक्शन आ रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है या गांठ पड़ गई है या वो प्रोलेप्स हो रही है बाहर निकल के आ गई है ड्यूरिंग लेबर तो हो सकता है या फिर उसमें एमनियोसिंथेसिस इंस्ट्रूमेंटेशन uh, हुआ है यानी कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही क्या किया है नीडल डाल के उसका एमनियोटिक फ्लूड को लिया है टेस्ट करने के लिए तो वो अमलाइकल कॉर्ड से ही लिया जाएगा थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड में देखते हुए उसको इंजेक्शन in, जो सॉरी जो लॉन्ग निडल होगी उसको वहाँ से फ्लूड लिया जाएगा देखने के लिए ताकि वो कुछ उसका ये कर सके चेक कर सके एमनियोटिक uh, फ्लूड का भी हो सकता है या फिर कोई ऐसे अमलाइकल कॉर्ड से भी कभी कभी कुछ ब्लड लेना पड़ता है सैंपलिंग के लिए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है इंजरी हो सकती है और वहां पर ब्लड रिश्ता रहेगा तो हेमाटोमा फॉर्म हो जाएगा या फिर कोई इंफेक्शन हो चुका है जो कि मदर का बेबी को मिला हुआ है या फिर को एगुलेशन, कोई कोई डिसऑर्डर है यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉब्लम है या फिर पोस्ट मेच्योरिटी है बेबी ज्यादा लंबे समय से मतलब अपने नॉर्मल से ज्यादा टाइम ले लिया उसने तो उसमें देखने को ये वाली सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है सिस्टिक सिस्टी जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं उसमें ये जो होता है ये अमलाइकल कॉट सिस्ट रेफर टू एनी सिस्टिक डिलीजन यानी कि जैसे या आप देख पा रहे हैं ये सिस्ट बनी है जैसे ये सिस्ट फॉर्म हो गई है ना एक ऊपर से तो एक पानी का गुब्बारा टाइप का ठीक है तो वो हो जाता है इसमें और अमलाइकल कॉट के इसमें हो जाएगा कहीं पर भी अमलाइकल रीजन पर ठीक है तो इससे क्या होगा जो अमलाइकल जो ये अमलाइकस होगी इसका जो अमलाइकल ये इरेगुलर शेप की हो जाएगी और एग्जिट एनीवर और ये कहीं पर भी देखने को मिलेगा अलोंग द अमलाइकल कॉर्ड जितनी भी अमलाइकल कॉर्ड है वो कहीं पर भी ऐसे सिस्ट फॉर्म हो जाएगा बिटवीन द ब्लड वेसल्स किसके बीच में हो जाएगा जो ब्लड वेसल्स है उनके बीच में ऐसी सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा यानी कि पानी का गुब्बारा टाइप का यानी कि हो जाएगा और उसमें फ्लूड फिल हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या होता है ये जो सिस्ट होते हैं ये कोई एक भी हो सकती कहीं पर और जैसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो ये कभी एक भी हो सकती है और या फिर ये मल्टीपल यानी कि ज़्यादा भी हो सकती है ठीक ठीक है अब कॉड मास के देखते हैं तो कॉड मास जो होता है वो भी एक व्हाट इज अम्लाइकल कॉड सिस्ट वो क्या होता है कि अम्लाइकल कॉर्ड सिस्ट क्या होती है कि ये जो होती है एक सैक होता है यानी कि एक सैक का मतलब होता है एक आ, गब, बबल की लाइक एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करते हैं कि उसमें क्या भरा होता है फ्लूट भरा होता है जैसे बलून होता है उसी की तरह समझ लीजिए उसमें क्या है फ्लूट भरा हुआ है ठीक है ये जो होता है कॉमन नहीं होता ये जो होता है सौ में से किसी एक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं लेस देन वन परसेंटेज ये देखने को मिलता है यानी कि एक परसेंट से भी कम लोगों में देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है जो अमलाइकल सिस्ट इसमें फॉर्मेशन हो जाती है जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था ठीक है यहाँ पर भी देखिए हो रही है सिस्ट फॉर्मेशन तो ये होता है ठीक है तो जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं वो इसको कैसे पता करते हैं कि जब कॉर्ट सिज ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है बेबी का तो कॉर्ड को भी बहुत अच्छे से एग्जामिन किया जाता है कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है तो यह देखने को मिलता है फिर उसके बाद है आ, आ, टेराटोमा टेराटोमा जो होता है एक ट्यूमर होता है जो कि आ, किस पे होता है ये एक इमिचोर सेल्स जो होती है टोटी पोटेंट करके एक इमिचोर सेल होती है वहाँ पर भी होता है एमरेनिक जर्म सेल में तो ये जो एम्ब्रियोनिक जर्म सेल होती है टिटो ये जो टोटीपोटेंट होता है ये एक एमेचर सेल होती है जो कि एम्ब्रियोनिक जर्म सेल है यहाँ पर क्या हो जाती है एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है यानी कि ट्यूमर ही बोलेंगे उसको वो फॉर्म हो जाता है ठीक है तो अम्बलाइकल कॉड जो होती है ये एक्सट्रीमली रेयर है रेयर साइट ऑफ ट्यूमर है यानी कि अम्ब्लाइकल कॉड का ये बहुत रेयर एक ट्यूमर होता है मतलब कम देखने को मिलता है ठीक है तो ये जो होता है बारह मतलब केवल इसमें अभी तक का बारह केस डिटेक्ट हुए हैं मेडिकल लिटरेचर में मतलब अभी तक के इसमें टोटल बारह ही केस देखने को मिले हैं यानी कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है ये ठीक है फिर है एनजीओ तो ये एन जी जो होता है एक रेयर ट्यूमर होता है अमलागल कोर्ट का ये भी एक ट्यूमर होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है इसमें क्या होता है पेरीनेटर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी होने के अब ये तो होगी होगी जब इसका कॉर्ड ही सही नहीं है तो बेबी की जो होती अगर वो बच गया तो मॉर्बिडिटी होगी अगर वो एक्सपायर और या फिर वो मॉर्टिलिटी होगी यानी कि वो डेथ रेट ज़्यादा होती है और और इसकी मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज़ कंडीशन होगी ठीक है इसमें क्या होगा कि जो प्री नेटर अल्ट्रासाउंड इसमें करा जाएगा तब ये इसका जो सिस्ट होती है वो डिटेक्ट होती है ठीक है वो तब देखने को मिलती है अल्ट्रासाउंड में ठीक है फिर है हेमेंजियोमा हेमेंजियोमा भी एक क्या है एक नोडुल है कहने का मतलब है ये एक गांठ है जिसमें कि गांठें जो बन जाती है ना इस तरीके से ये देख पा रहे हैं आप इस तरीके से ये गांठे बन गई हैं यहाँ पे कोई मोटी मोटी थी, बीच बीच में हमलाइकल कॉर्ड में तो इसी को बोलते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है कि ये एडिमा एंड मिक्सोमा जो होती है मिक ये जो होता है मिक्स मेटस जीनरे डी जनरेशन ऑफ द वॉस्टर्न जेली यानी कि वॉस्टर्न जेली के डी जनरेट होने से होता है यानी कि जब वो उसका जो होता है ठीक से नहीं बन पा रही होती है या कोई अब आ जाती है वॉस्टर्न जेली में तो ये होगा और इसमें क्या होगा और क्या होता है कभी कभी सिस्ट भी फॉर्मेशन की वजह से भी ये होता है और एनजो मेटस नोड्यूल की जो रेंज होती है वो होती है जीरो से लेके सेवन सेंटीमीटर हो सकता है और जो सबसे बड़ी मतलब ये लार्जेस्ट डायमेंशन इसका हो सकता है सेवन सेंटीमीटर तक ठीक है और कभी कभी तो क्या होता है कि एडिमा मेज़र अप टू फिफ्टीन सेंटीमीटर भी इसको मेज़र किया गया है तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गुड बाई टेक केयर